आज मैं बड़ा हाथ मारूंगा, फिर विजय माल्या जैसा फिर मैं विदेश चला जाऊंगा, फिर हर दिन दीपावली होगी, खुशियां मनाऊंगा। हवा होगी, चलो अपना काम जल्दी से निपटा लेते हैं। अरे विक्रम, इस साल तुम कहाँ जा रहे हो? इस साल भी यार कहीं नहीं जाएंगे, ऑफिस में वर्क बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं हो सकता तेरा। विक्रम का तो हमेशा यही बहाना रहता है, कुछ ना कुछ इसका नाटक चलता ही रहता है। अरे यार यार विक्रम, हर बार तुम यही बहाना बनाते हो, हमको कहीं जाने को नहीं मिलता है तुम्हारी वजह से। हाँ यार, बिल्कुल सही बात कह रहा है तू। हाँ भाई, हम हमेशा काम 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 ही करते रहते हैं, असली जिंदगी कैसे जीनी है ये हमें पता ही नहीं है, है? सही है। हाँ यार, हम तो भूल ही गए, इंसान है यार हम लोग, मशीन नहीं। हाँ यार विक्रम भाई, तुम्हारे भैया इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम अपनी लाइफ एंजॉय क्यों नहीं करते? इतना मतलब बहुत हार्ड क्यों जीते हो लाइफ में, है? हाँ राज, भैया कहते हैं तुम्हारी लाइफ जितनी हार्ड होगी ना, उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और तुम जितने स्ट्रांग बनोगे तुम्हारी लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। वाह, तुम लोग भी यार। वैसे विक्रम, तुम्हारे जय भैया कहाँ है? काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जय भैया कल ही यूएस गए हैं। ओह अच्छा यार, भूख बहुत तेजी से लगी हुई है, अभी तक वो ऑर्डर लेकर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया यार। एक मिनट, मैं देख के आता हूँ। पर हम जाएं भी तो कहाँ, जहाँ सारी यादें ताजा हो जाएं और हमारे शरीर की सारी थकावट भी दूर हो जाए। चले कमरे में। चलो। हाँ यार, बचपन में कैसे हम हमेशा ताजा रहते थे, उसी तरह का कुछ। विक्रम चलो ना प्लीज। विक्रम भाई, राज शुरू हो जा। मुझे पता था तू जाएगा तो कुछ लाएगा जरूर। तेरे लिए तो लाया हूँ, और किसके लिए। विक्रम भाई, ऑफिस से टाइम निकालना। विक्रम, तो कुछ डिसाइड हुआ कहाँ जाना है? ऐसा करते हैं, हम लोग फार्म हाउस पे चलते हैं,
मेरे भैया ने अभी परसों ही लिया है। भैया उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेस है, तो फिर हम लोग कल ही सुबह निकलते हैं। ओके डन। साथी चल हवा के साथ साथ। अरे विक्रम, कितना दूर है यार तुम्हारा बंगला? ये सुनो, इनसे पता पूछो यार जरा जाके। हाँ बाबा, ये फार्म हाउस आपको मालूम है क्या? आगे सीधे जाकर दाहिने मुड़ जाना। ओके बाबा। राज, बाबा क्या बोले? आगे जाके दाहिने मुड़ना है। ओके। अरे विक्रम भाई, वो यार आदमी मुझे बड़ा अजीब लगा, बहुत डर लगा। नहीं यार, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहली बार आए ना, इसीलिए सब अजीब अजीब लग रहा है। हाँ, चलो। हम लोग लगता है शिकार खुद शिकारी के पास जा रहा है। ए, अरे राज यार, गेट तो खुलवाओ। ओके ओके विक्रम भाई, खोलता हूँ। खोलो खोलो। अरे अरे, तुम यहां? राज, तुम भी चलो ना अंदर। विक्रम भाई, वाला, वो। विक्रम, तुम्हारे भाई ने तो बहुत सुंदर फार्म हाउस खरीदा है, माइंड ब्लोइंग। हाँ यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। या क्या हुआ राज, राजीव ऐसे क्या देख रहे हो यार? ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मुझे भी लग रहा है ये जगह जानी पी है। पूजा रिया, लगता है यहाँ इन लोगों को ही टाका फिट है। क्या राजीव? क्या यार, मैं मजाक कर रहा था। विक्रम यार, तेरे भैया वाकई बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं। अरे बुद्धू, वो लगते नहीं, रियल में हैं। अच्छा, आप सारी बात यहीं खड़े होकर करोगे क्या? अंदर भी चलो यार। हाँ चलो चलो, आओ। अरे विक्रम संभल के। गाइस, थोड़ा साफ सफाई करनी होगी। लग तो ऐसा ही रहा है। विक्रम, ये तुम्हारा फोन। राज, उस आदमी से पूछो जरा, यहाँ कोई साफ सफाई वाला आदमी मिलेगा? मैं नहीं जाने वाला वहाँ, उसके पास तो बिल्कुल नहीं जाना मुझे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है ये डर गया है, ये उसकी शकल देख के डर गया है। अच्छा चल ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। संभल के जाना भैया।
साहब जी, लगता है हमको ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? शंभू। शंभू, यहाँ कोई साफ सफाई करने वाला मिलेगा? नहीं साहब जी, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। कोई मर भी रहा हो ना तो उसको पानी तक नसीब नहीं होता। देखो, ज्यादा बातें मत बनाओ, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। हटो यहाँ से। साहब जी, मेरी बात मानो, चले जाओ आप लोग यहाँ से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। चलो आओ। इतनी धूल है यार यहाँ पे। साफ सफाई करना पड़ेगा। साफ सफाई तो करना पड़ेगा यार, राजू गया है बुलाने उसे। विक्रम। हाँ, कोई मिला? नहीं यार, ये बोल रहा है यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता है। आओ। क्या हुआ? विक्रम, ये किसकी तस्वीर है? शायद घर के पुराने मालिक की होगी, कुछ ठीक नहीं आ रही। सुनो, इसको बाहर फेंक दो। नहीं साहब, मैं इस फोटो को हाथ नहीं लगा सकता। ये फोटो जहाँ टंगी थी वहीं टांग दो, वरना इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। देखो, अभी बंगला हमारा है और हमें यहाँ कोई भी पुरानी चीज, पुराने मालिक के किसी भी चीज को यहाँ नहीं रखना चाहते। साहब, बंगला तो आपने जरूर खरीदा है, मगर यहाँ हर चीज पर उसी का राज है, उसकी आत्मा बसती है यहाँ हर चीज पर। अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये गांव वालों के दिमाग से भूत प्रेत कहीं नहीं जाने वाला। अबे, तुझे बोला था ना, जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। चलिए, फोटो ले, इसको बाहर फेंक के आ। जा ना। बड़ा अजीब आदमी है यार। विक्रम, मेरे को लगता है गांव के आदमी आज भी नींबू और मिर्ची पर जीते हैं। ये भूत आत्मा सच में होते हैं क्या? हाँ, होते होंगे शायद। ऐसा कुछ नहीं होता राज, ये सब पुराने लोगों का भ्रम होता है। गाइस, अगर ये भूत प्रेत होते होंगे और वो यहाँ हम लोगों से मिल गए जैसे ये बता रहा है, अबे यहाँ हॉलीडे तो बड़ा मजा आ जाएगा हम लोगों को। ए बता, ये देखो हमारे कुछ पुराने दोस्त, ये देखो, ये अच्छी है। ये कौन है? अरे, ये ऑफिस में कलीग है। बहुत अच्छी लड़की। अच्छा, इतनी अच्छी लगती है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अरे अरे यार श्वेता, नाराज होगी क्या? मैं मजाक कर रहा था। विक्रम, तुम जानते हो ना, मुझे इस तरीका का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तुम ही तो हो मेरे अपने, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती। बाबा, मैं कहाँ तुमसे दूर जा रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। ओफो। अरे, लगता है दो अच्छी गुटरगु कर रहे हैं। लगता है हम लोगों ने इनको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। ओए होए, तो तब मैना की कहानी। अरे यार, हम सब लोग यहाँ एंजॉय ही तो करने आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो करने दो एंजॉय। तब कौन सी बात है? अरे भाई, ये लोग खुद तो एंजॉय करते नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देते। अच्छा बच्चू, तुम्हें दिखाते एंजॉय किसे कहते हैं। वो लोग तो गए, हम भी चलें? हाँ क्यों नहीं, शुभ काम में देरी क्यों। Hmm.
क्या हुआ? क्या हुआ श्वेता? कुछ नहीं, इसे देख के डर गई थी। हाँ? इसे क्या है यार तुम्हारा? क्या यार विक्रम भाई, मैं बोल रहा हूँ ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है और ये जगह भी ठीक नहीं है। एक मिनट राज, और मत डराओ, लोग डरे हुए हैं। डरने की बात नहीं है यार, सकल ही ऐसी है। और छोड़ो ये सब बात, चलो अंदर चलो। हद है यार। विक्रम, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो प्लीज, आराम करो। वो पागल इंसान है, उसके बारे में मत सोचो। श्वेता तुम ना आराम करो। सॉरी दोस्तों, वो आदमी मुझे अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। अबे तू फिर से चालू हो गया? देख आग में घी डालने जैसा काम मत किया कर, चल तू मेरे साथ चल। चलो बाहर चलो, ज़्यादा तुम आराम करो, आराम करो, चलो। श्वेता कितनी डर गई है। अच्छा तुम होती ना तो उससे ज्यादा डर जाती। यार वो अचानक आ जाता है हम लोग के सामने। वो आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता बस। तू ना जब से आया तुझे कुछ भी सही नहीं लगता। कल एक काम से बाहर जाना है हमको, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे? ठीक है। आने में शाम हो जाएगी, ख्याल रखना। सी यू गाइस, बाय बाय। चलो ना हम कुछ खाने के लिए बनाते हैं। पूजा मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ चलो रिया। हाँ चलो। Thank you.
यार हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ पूजा, चलो श्वेता तुम मुंह धो लो, चलो जाओ। ये सब क्या है यार, किसने किया? पता नहीं, कौन हो सकता है। दोनों मेरे पास ही रुकना, मुझे बहुत डर लग रहा है। यार हाँ, हम दोनों तुम्हारे पास हैं श्वेता। पता नहीं अब कौन होगा यार, कौन हो सकता है। हाँ यार कौन होगा, पर दरवाजा तो खोलना होगा। चलो तीनों साथ चलते हैं। रुको, क्या हुआ, क्या काम है? बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम यही रुको मैं लेके आती हूँ। कितना डर गए आप लोग,
मुझे किसी को डरता हुआ देख बहुत अच्छा लगता है। अपनी फालतू की बातें बंद करो। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत करो, ये लो खाना और निकलो यहाँ से। मैं कहाँ ज्यादा बोलता हूँ, बोलता तो वो है। खिलाएगा पहले। थैंक यू विक्रम फॉर द सरप्राइज, पर दारा दिया तुम लोगों ने, मैं नहीं खाऊंगी। बस ना राज, खिलाना है खाना नहीं। बस थोड़ा ही खिला दो, खाना नहीं खिलाना है। हो रहे देखो। One second. मुंह तो खोलो। तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सॉरी सहता, हम लोगों का इंटेंशन तुम्हें डराने का नहीं था, बल्कि तुम्हारा डर भगाने का था। ऐसा कौन डर भगाता है यार। हम लोग। पर तुम लोगों ने वो आईने पर कैसे लिखा था कि चले जाओ यहाँ से? क्या मतलब? हम लोगों ने तो कुछ नहीं लिखा था। क्यों? हम लोगों ने क्या लिखा था? हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा। कल मैं नहा के निकली तब सच में ये सब हुआ तुम्हारे साथ? सच में ऐसा हुआ? हाँ यार, मुझे तो लगता है कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? यहाँ भूत है। हो भी सकता है यार। क्या राज, तू भी पढ़े लिखे होने के बावजूद? छोड़ो यार, चलो कुछ खेलते हैं। हाँ यार बिल्कुल, कुछ खेलना चाहिए। पूजा तुम बताओ क्या खेलना चाहिए? जो तुम्हें अच्छा लगे। हाँ चलो यार, क्यों ना हम लोग बाहर गार्डन में म्यूजिकल चेयर खेला जाए, है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चलो हो गया। तुम चिंता मत करो यार, चलो खेलते हैं। ए राज, चल चेयर लगा।
चेयर लगा भाई। चेयर तो मैं लगा दूंगा लेकिन जीतूंगा मैं ही। तू ना बस सपने में ही जीत सकता है, हकीकत में नहीं। बात करता है। अरे यार ये सब छोड़ो, पहले खेल तो स्टार्ट करो, बताएंगे तो हम कौन जीतेगा। भाई ऐसे कर, ये वाला सॉन्ग लगाना, उधर का फेस कर, उधर का, उसके बाद ये वाला प्ले करना और स्टॉप वॉच लगा। हाँ अपने आप रुके, ठीक है। चलो चलो दौड़ो 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 दौड़ो। चलो 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 चलो। अब कोई नहीं जीतेगा, हम जीत गए। फाइनली हम लोग जीत गए। विक्रम 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 सता लूजर 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 सता। ओह शिट। लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। हाँ यार। चलो अंदर चलते हैं। मैंने आज बहुत जोरदार खेला भाई। बहुत घटिया खेला तूने। तू एक दिन मेरी जान लेकर रहेगा। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा तेरा, समझा? पूजा देख लो, एक खूबसूरत लड़के के पीछे पागल हो रहा है। खूबसूरत कौन? मैं। आराम से भाई गिरा दे यार तू। जल्दी लेकर आओ। उठा 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 फास्ट फास्ट कर ना, जल्दी कर भाई, लगा ले यार। ओके ओके ओके। क्या कर रहे हो तुम सब लोग? श्वेता आज रात हम सब फायर कैंपिंग करने वाले हैं। वाओ मुझे इस तरह की कैंपिंग बहुत पसंद है। ओए श्वेता सिर्फ तुझे ही नहीं हम सबको फायर कैंपिंग बहुत पसंद है। क्यों क्या हुआ राज, तुम क्यों देवदास बने बैठे हो? नथिंग यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। सुन भाई तू खुद तो डरपोक ही है और हम लोगों को अपने जैसा मत बना। हाँ यार देखिए सब्बल
किस तरह धरती के नीचे चीर के जाती है। वैसे तू अपने डर को भी चीर डाल, देख। क्या हुआ? राजीव, क्या हुआ यार राजीव, ठीक तो है यार तुम? राजीव, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ राजीव तुझे? हैं? क्या हो गया तुझे? अरे चोट लग गई यार। अरे ये गिर कैसे गया अचानक? पता नहीं यार, जैसे मैंने सब्बल नीचे डाला वैसे ही ठीक मुझे किसी ने नीचे से ऊपर फेंक दिया। राजीव तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पूजा जाओ, उसके दवा लगा दो, अंदर ले जाओ। हाँ चलो राजीव। विक्रम भाई ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। अबे यार अब तुम फिर से ना शुरू हो जाना, भूत प्रेत आत्मा वाली पुंगी बजाने लगोगे। क्या यार, और इस चीज से ध्यान हटाओ। चलो लीजिए श्वेता। थैंक यू। वो देखो राजीव आ गया। बैठो भाई। हाँ बैठो राजीव। सही है ना? ठीक हो ना? अब ठीक है। वैसे ये हुआ क्या था? पता नहीं यार, जैसे मैंने सब्बल नीचे मारा और फिर नीचे से पता नहीं क्या सब, मैं जाके उसको भूल जा। मुझे कुछ, चलो इसे एंजॉय करो। याद नहीं है, छोड़ना ये सब यार, हो गया तो। ए राज लाना मुझे दे, तुम्हारे लिए मजेदार। तुमको तो कुछ भी नहीं है, उसको लगा है उसको देना चाहिए। लगा तो बहुत कुछ है जानी। राज के आगे तो जीरो है। विक्रम सुनना, अगर पीते पीते तेरी आवाज में गाना हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई। हाँ विक्रम, मना मत करना, बोलो ना तुम लोग। हाँ विक्रम प्लीज। ओके ठीक है यार, मैं अपना गिटार रूम पर भूल गया हूँ और बिना गिटार के मैं गा नहीं पाऊंगा। कुछ भी है। अरे कोई बात नहीं विक्रम, मैं लाती हूँ तुम्हारा गिटार। या थैंक्स यार, लियो। मैं अभी लेके आती हूँ। बहाने नहीं यार, गिटार आ रहा है अभी। आ रही हूँ, अभी आई। अच्छा सुनो, शंभू किसी को दिखाई दिया क्या? क्यों क्या हुआ, उसकी कैसे याद आ गई यार तुम्हें? क्या यार राजीव भाई, इस एंजॉय के टाइम में किसका नाम ले लिया? क्या यार तू इससे डरता क्यों है इतना? ऐसा लगता है कि तेरी कोई पिछले जन्म की दुश्मनी हो उससे। ऐसी कोई बात नहीं है यार, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, चेहरे पे निशान, पता नहीं कितने दिनों से नहाया भी नहीं है उसने, दिखने में बिल्कुल अजीब लगता है, मैं डर जाता हूँ यार। कुछ भी कहो पर ये जगह बहुत अच्छी है ना राजीव? हाँ पूजा, कितनी बढ़िया जगह है यार। दोस्तों उसने जो बात बोला सच है क्या? वो कौन वाली? वही भूतों वाली। अरे यार शायद हाँ, क्योंकि वो आत्मा तुझे ही ढूंढ रही होगी। अबे आराम से यार राज, क्या खतरनाक इंसान है यार भाई, मुझे बख्श दे यार तू। अच्छा राज तू एक बात बता मेरे को। बोल दे। राज मेरे को ये पता चला है कि तेरा नाम होली सिंह चड्डा है, ये भी साला कोई नाम है। पर इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। कैसी कहानी? तो सुनो, मैं जब पैदा हुआ था तो होली के दिन पैदा हुआ, तो इसलिए हमारी दादी जी हमारा नाम होली सिंह चड्डा रख दिया था। फिर स्कूल में जो है लोग हमें होलिका होलिका कहने लगे, तो हमने अपना नाम जो है बदल कर राज कर लिया। मतलब सीधी सी बात यह है कि तू होली के दिन पैदा हुआ इसलिए तेरा नाम होली रखा गया, लोहड़ी के दिन पैदा होता तो क्या हुआ यार, तो मेरा नाम लो। तू बगैर मेरा मजाक उड़ाए नहीं रह सकता राजीव।
अरे ये क्या है? ये क्या है? क्या हुआ विक्रम? एक मिनट मैं देख कर आता हूँ। पानी ले आओ। हाँ मैं लाती हूँ। बैठो 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 बैठो। क्या हुआ पूजा बताओ। वाह उस कमरे में बहुत डरावना चेहरा था। तो मैं देख बहुत डर मुझे समझ नहीं आ रहा है। वहां कोई नहीं है यार, मैंने हर तरफ देख लिया। नहीं विक्रम था वहां कोई। उधर कुछ नहीं है। कहता है तुम्हारा भ्रम हो सकता है। सुबह भी तुम उस आदमी से डर गई थी ना, ये भ्रम है। नहीं विक्रम मैंने देखा वहां था मेरा यकीन। ठीक है बाबा ठीक है, बहुत देर हो गई है चलो। विक्रम राज कैंपिंग फायर बुझा दो। अरे राजीव इतनी रात अकेले? तू जा आराम कर, मैं आग बुझा के आता हूँ। थैंक यू दोस्त, तुम ही तो एक मेरे दोस्त हो यार। चल चल ठीक है यार। ये क्या हो रहा है यार? हाँ कहीं ज्यादा चढ़ तो नहीं गई मुझे? अब ऐसा हो गया स्वाहा। तुम?
हाँ, पर तुम इतना डरे हुए क्यों हो? पूजा, मुझे अजीब सा कुछ दिखा जिसके चेहरे पे खून था और बहुत डरावना चेहरा था। तुम हंस रही हो? यहाँ मैं इतना डरा हुआ हूँ यार। हंसो ना तो और क्या करूँ, यही कहानी श्वेता ने सुनाई, यही तुम सुना रहे हो। पहले तो तुम अपनी हंसी बंद करो, यहाँ इतना मैं डरा हुआ हूँ और तुमको मजाक सूझ रहा है। ओके ओके सॉरी राजीव, मुझे लगता है तुम्हें चढ़ गई है, चलो थोड़ा टहलते हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। तुम भी ना राजीव, हम लोग जब से यहाँ आए हैं एक साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ओके ओके चलो चलते हैं। क्या हुआ? लगता है कोई पीछे से गुजरा। राजीव, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, चलो आओ चलते हैं। चलो। राजीव, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ये कौन सा सवाल है? बताओ ना। वो तो मैं नहीं बता सकता, बस मुझे इतना पता है कि हम सातों जन्म साथ साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। क्या हुआ राजीव, तुम क्यों बार बार इधर उधर घूम रहे हो? कोई है वहाँ? कोई है? कोई नहीं है वहाँ। अरे कोई है वहाँ? कोई नहीं है। क्या हुआ राजीव? रुको मैं अभी आता हूँ। कौन है वहाँ? वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? राजीव, राजीव क्या हुआ राजीव? पूजा बचाओ, पूजा बचाओ, पूजा पूजा बचाओ, बचाओ। क्या हुआ राजीव? राजीव, राजीव कहाँ हो? राजीव, राजीव। अरे रिया, राजीव और पूजा को भी देखो कहाँ है, बुला दो उनको। जाओ देखो। राजीव, राजीव दरवाजा खोलो। राजीव, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ चले गए सब? राजीव, वो दोनों पंछी अपने घोंसले में नहीं हैं। लगता है दोनों पंछी आसमान में सैर कर रहे होंगे। रिया, आ जाओ तुम भी, नाश्ता कर लो। विक्रम, ब्रेड दे दो ना। हाँ। तुम भी लो, लो। बस मैं नहीं लूंगा, इनको दो। पेट भर के खा लो, तुमको जरूरत है ज्यादा। हम नहीं खाएंगे। अरे ये तो पूजा की आवाज है। हाँ ये तो पूजा की आवाज है। हाँ चलो 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 चलो। क्या हुआ पूजा? तू यहाँ क्या कर रहा है और क्या किया तूने पूजा के साथ? बोल बोल। विक्रम, तंबू ने कुछ नहीं किया है। पूजा, तुम्हें ये चोट कैसे आई? हाँ हाँ, ये चोट कैसे लगी? श्वेता, राजीव कहाँ है? श्वेता, राजीव। हाँ राजीव कहाँ है? राजीव कहाँ गया? विक्रम, राजीव कहाँ है? राजीव, पूजा, पूजा, राजीव कहाँ है? पूजा, पूजा शांत हो जाओ। पूजा, पूजा कहाँ गया राजीव? ए पूजा, चल क्या मेरे साथ हुआ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। यार तू हंस क्यों रहा है? तू हंस क्यों रहा है?
क्या किया तूने राजीव के साथ? तूने ही कुछ किया राजीव के साथ, बोल क्या किया तूने राजीव के साथ, बोल। विक्रम क्या कर रहे हो, शंभू को मार डालोगे क्या? छोड़ दो उसे। श्वेता इसी ने कुछ राजीव के साथ किया है, इसी ने राजीव को मारा है। नहीं विक्रम छोड़ दो उसे, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। पहले कुछ नहीं किया, उसकी आँख खुल गई है, अब देखो उसका तांडव। मैंने मना किया था तुम लोगों से, कहा था ना जान बचाना है तो भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग नहीं माने, अब भुगतो इसका अंजाम। ये डरा किसको रहे हो? हाँ विक्रम अब लड़ने का टाइम नहीं है, पहले हम राजू को ढूंढते हैं। छोड़ो शंभू, तुम जाओ यहाँ से। विक्रम राज तुम लोग राजू को ढूंढो ना। हाँ ढूंढते हैं, मैंने ही जीत की थी उसे टहलने की। हाँ ढूंढते हैं हम लोग। हाँ विक्रम राज जल्दी ढूंढते हैं। चुप रहो पूजा। विक्रम कहीं शंभू की बात सही तो नहीं की? राज आज के जमाने में भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सिर्फ बात डराने की होती है। विक्रम तुम लोग आपस में लड़ोगे क्या? चलो राजीव को ढूंढते हैं। रिया तुम पूजा को अंदर लेके जाओ, हम लोग राजीव को ढूंढते हैं। चलो पूजा। राजीव राजीव मिला क्या? राजीव मिला क्या? हमने सब जगह ढूंढा, नहीं मिला वो। नहीं श्वेता तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं पूजा हमने पूरा जंगल छान मारा, हमें राजीव कहीं नहीं मिला। अच्छा तो फिर कहाँ गया राजीव, क्यों नहीं मिल रहा है राजीव? पूजा तुम टेंशन ना लो, राजीव जल्दी आ जाएगा। रिया पूजा को कमरे में लेके जाओ। दोस्तों हमें पूजा को बता देना चाहिए राजीव के बारे में। नहीं राज ये सही वक्त नहीं है पूजा को बताने के लिए। हाँ राज विक्रम सही कह रहा है, पहले से पूजा टेंशन में है और अभी राजीव के बारे में पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या राजीव मिला? राज श्वेता तुम तो बताओ राजीव मिला? हाँ रिया राजीव हम लोग को मिला था। तो उसे यहाँ क्यों नहीं लाए और तुम लोग पूजा से क्यों झूठ बोली? राजीव हम लोगों से बहुत दूर चला गया रिया। मतलब क्या? मतलब राजीव अब इस दुनिया में नहीं रह रिया। हाँ रिया ये सच बोल रही है। जब हम लोग जंगल में जा रहे थे तो आगे चलते हुए वो यार ऊपर से राजीव विक्रम ये देखो राजीव बचो। राजीव
राजीव राजीव राजू राजू क्या हुआ राजू को राजू राजू क्या हुआ तुम्हें राजू राजू क्या हुआ विक्रम राजू को विक्रम अब हम पूजा को क्या बताएंगे राजू जेव जेव राजू राजू मेरा भाई राजू राजू हमें यार पूजा को क्या जवाब देंगे यार अब यार पूजा से क्या कहेंगे यार हम लोग राजीव अब यार क्या जवाब देंगे पूजा को हम लोग रिया यही सच है पर श्वेता ये बात हम लोग पूजा को कैसे बताएंगे यही तो सबसे मुश्किल काम है पूजा को कैसे बताया जाए यार कैसे बताएंगे हम लोग दोस्तों हमको यहाँ से चलना चाहिए यार ए राज कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो तू मैं बहकी-बहकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ यहाँ पे भूत है मैं सच बता रहा हूँ यार ये भूत वूत कुछ नहीं होते ये सिर्फ लोगों का भ्रम है मेरी बात का यकीन करो है भूत यहाँ पर अच्छा यहाँ पे भूत नहीं है तो फिर राजू को किसने मारा फिर किसने मारा राजू को बताओ है भूत यहाँ पर मेरी बात का यकीन करो है भूत यहाँ पर हमारे सिवा कौन है यहाँ पर बताओ हम ही लोग तो है यहाँ पर भूत है यहाँ पर मुझे लगता है कि राजीव को किसी जंगली जानवर ने मारा है भूत ने नहीं जंगली जानवर ने मतलब कुछ भी यार विक्रम भाई क्या कुछ भी मतलब क्या कुछ भी हाँ क्या कुछ भी तू सोचता है कि तेरी बातों में हम लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे और मैं भी तेरी तरह मान लूं कि उसे किसी भूत ने मारा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ गाइस ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है आ रहे हैं भाई रिया तुम ही बोलो मेरी बात नहीं सुनेगा ये हाँ क्या हुआ बोलो विक्रम हमें यहाँ से जाना बहुत जरूरी है हाँ? यहाँ हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं विक्रम चलो यार यहाँ बहुत डर लगता है हमको चलो हमारी बात सुनो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलो कुछ सही नहीं लग रहा है हमको हाँ ठीक है निकलना चाहिए यहाँ से इसके बारे में कल सोचते हैं हम लोग मैं साता को बता दूंगा पूजा अब तक नहीं आई आती ही होगी ये क्या पूजा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हमें जल्दी निकलना है ना कैसे दोस्त हो तुम लोग यहाँ राजीव को कुछ पता नहीं और तुम लोग भाग रहे हो पूजा मुझे पता है तुम इस वक्त टेंशन में हो लेकिन हम लोग को यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है हाँ पूजा हाँ राज ठीक कह रहा है अच्छा रिया अगर राज इसी तरह खो गया होता तो तुम क्या करती मुझे तो शर्म आ रही है कि राजीव को तुम्हारे जैसे दोस्त मिले भगौड़े मैं तो राजीव को लेकर ही आऊंगी और मैं यही रहूंगी पूजा राह उनकी देखी जाती जो आने वाले होते हैं क्या मतलब है विक्रम तुम्हारा पूजा राजीव इस दुनिया में नहीं रहा अब वो हम लोगों को छोड़ के जा चुका है क्या मतलब है तुम्हारा विक्रम कह दो कि ये झूठ है श्वेता तुम तो बोलो ना तुम तो कहो कि ये झूठ है राज तुम तो राजीव के अच्छे दोस्त हो ना तुम तो कह दो कि ये झूठ है पूजा
राज सही कह रहा है पूजा, राजीव अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने आप को संभालो पूजा। तुम देखो हम गाड़ी तैयार करते। शिट यार, ये क्या हो रहा है? गाइस, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार, और बाहर तूफान ही बहुत तेज है। कैसे चलेंगे हम लोग? अब क्या करें यार विक्रम भाई, अब क्या करें? क्यों ना हम लोग पैदल चले जाए। हाँ ये आइडिया अच्छा है, नहीं तो यहाँ रहेंगे तो कब किसकी मौत हो जाए कुछ पता नहीं। हाँ चलो 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 गाइस, मैं थोड़ा जल्दी चलना। गेट नहीं खुल रहा है। विक्रम भाई क्या करेंगे, तो खुल नहीं रहा है, कैसे जाएंगे? क्यों नहीं खुल रहा है? कुछ करते हैं यार। अच्छा जंगल से जंगल चलो चलते हैं। विक्रम भाई, विक्रम भाई क्या करेंगे? चुप रहो, कुछ करते हैं। कहाँ चलेंगे विक्रम भाई? फंस गए हम, फंस गए विक्रम भाई। चुप रहो, कुछ करते हैं। चुप रहो, कुछ करते हैं। चलो 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 भैया, चलो 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 भागो। ए, क्या हुआ राज? मुझे अब और चला नहीं जा रहा राज। पूजा आराम से आराम से, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, बस थोड़ी देर और शायद हमें आगे रास्ता मिल जाए। चलो विक्रम भाई थोड़ा देर रुकते हैं यार, बहुत थक गए, चला नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, रुक नहीं सकते विक्रम। हाँ। वो देखो वहाँ हमें कुछ दिख रहा है। हाँ। चलो वहाँ चलते हैं। चलो चलो, चलो। क्या जाओगे तुम?
जाओगी, मुझे ही पाओगी। कौन है तुम? मैं मंजुलाओ, मैं मंजुलाओ, अब तुम मेरे साथ। छोड़ो, बचाओ, बचाओ। जंगल में कैसे आ गए यार? अरे हाँ, पता नहीं, कल तो खंडर में थे हम लोग, यहाँ कैसे आ गए? हाँ यार, पूजा। हाँ। पूजा, रिया कहाँ गई? रिया? हाँ, दिख नहीं रही है। यही तो सोई थी मेरे पास। पता नहीं कैसे हम लोग यहाँ आ गए, हम लोग तो खंडर में थे। स्वेता को मालूम होगा। श्वेता, 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 रिया कहाँ है? श्वेता, रिया, मुझे नहीं पता। तुमने रिया को देखा क्या? नहीं, क्या हुआ रिया को? रिया, 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 रिया कहाँ है? रिया कहाँ गई होगी? रिया, बारिश भी हो रही है, अब क्या करें? नहीं तो तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? ये क्या है? क्या? ये क्या, क्या है? ये क्या, ये है? क्या है? मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में खून कहाँ से आया है। छोड़ दो, पहले हम रिया को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। रिया, 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 रिया कहाँ हो तू? रिया, 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 रिया कहाँ हो तू? रिया, रिया, ए, ये तो रिया का शो है। कहाँ गई होगी रिया? कहीं राजीव की तरह तो नहीं? ऐसा मत करो राज, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। क्या बात कर रहे हो राज? जल्दी हमको रिया मिल जाएगी, तुम घबराओ मत, जल्दी मिल जाएगी। हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हाँ राज, हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से। चलो ना राज, चलो राज, राज जो हुआ सो हुआ, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से, बाकी लोगों की जिंदगी के लिए मेरे भाई। राज मेरे भाई, तुम लोगों को मैंने पहले बोला था कि तुम लोग इस बंगले में मत रुको, तुम लोगों ने मेरे एक भी मसे पर राज ने रिया, मैं बोल रहा था लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं बोली। बस मेरे भाई, लेकिन हम लोगों को यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ सिट यार, हम लोग घूम फिर कर फिर वहीं आ गए। सच कह रहे हो? ये तो जहाँ थे वहीं आ गए, क्या हो रहा है हम लोग के साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था, चले जाओ यहाँ से। अब तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, जा नहीं पाओगे यहां से। तू फिर आ गया? तूने ही मारा है राजू और रिया को, बोल क्यों मारा है, बोल। विक्रम भाई छोड़ो इसको, इसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो विक्रम भाई? वो ऐसे मरी हालत में है, किसी को क्या मारेगा? हम अंदर चलकर बैठ के बात करते हैं, पर सब साथ में रहेंगे।
राज, राज, मेरे भाई क्या हुआ? उठो 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 उठो, शाबाश, क्या हुआ? राज, इतनी चोटें, क्या है ये? क्या हुआ बेटा? राज, उठो राज, राज, मैं कुछ पूछ रहा हूं। कल मुझे श्वेता ने मारा। मैं मान ही नहीं सकता कि श्वेता ने ऐसा कुछ किया है। ये सब कोई और नहीं। क्या बक रहे हो? श्वेता ही कर रही है। विक्रम भाई, तुम मानो या ना मानो, यही सच है। हाँ तो ठीक है, कहो सबूत, कहाँ है सबूत? मैं लाता हूँ सबूत। विक्रम देखो श्वेता। अरे क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? श्वेता, राज का कहना है तुमने उसे कल बहुत मारा है। किसे? राज को। क्या? मैंने? हमें पता है हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर मैंने नहीं मारा राज को। ये सच है क्या? कल रात को तुम बाहर घूम रही थी क्या? मैं और रात में? Come on पूजा, विक्रम मैं तो रात में तुम्हारे साथ थी ना। पर श्वेता। विक्रम प्लीज, हाँ मुझे जोरों की भूख लगी, मुझे खाना खाने दो, इरिटेट मत करो। मैंने तुमको कल रात को कौन मारा? तुम लोग कुछ भी बता रहे हो। कल आपने मारा नहीं मुझे? नहीं, कल रात। पागल कुछ भी कह रहा है। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। विक्रम भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है श्वेता? ये क्या करती हो तुम? श्वेता ये तो तुम हो। क्या तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल रात को जो मेरे साथ किया। विक्रम तुमने मेरी प्लेट कैसे छीन ली? ये देखो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये क्या श्वेता, तुमको यकीन करना पड़ेगा, यही सच्चाई है। ये क्या, कैसे खाना खा रही हो? देखो, देखो देखो अपने आप को देखो, ये देखो, ये देखो। विक्रम मैंने कुछ नहीं किया। कोई ऐसे खाना खाता है क्या?
विक्रम तुम तो मुझे जानते हो ना। ये देखो मेरे ऊपर भरोसा करो विक्रम, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है विक्रम भाई, ये झूठ बोल रही है। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इस वीडियो में तुम ही हो। देखो ये तुम हो श्वेता। देखो तुम सब लोग मुझे इरिटेट मत करो, मुझे खाना खाने दो। यार श्वेता यहाँ हम लोगों की जान जा रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। हमारा दोस्त मर चुका है, रिया का कोई पता नहीं है और तुम्हें खाने की पड़ी है। तो मैं क्या करूँ, मैंने उन्हें मारा? हमने ऐसा नहीं कहा श्वेता कि तुमने उन्हें मारा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस अब हमें यहाँ से निकलना है। कहा जाएंगे? घूम फिर कर तो यही आएंगे, जाए तो जाए कहा? ये सोचकर सारी जिंदगी यही गुजार दे क्या हम लोग? श्वेता तुम श्वेता ही हो ना या कोई और? विक्रम ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं श्वेता ही हूँ। तो फिर यहाँ से चलो श्वेता। नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, और मैं कहती हूँ तुम लोग भी यहीं पे रुक जाओ। श्वेता तुम श्वेता ही हो ना या कोई और? हाँ श्वेता ही हो ना तुम या कोई और हो? बोलो बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। कौन हो तुम? हाथ हटाओ। कौन हो तुम? मैं हाथ तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक तुम बताओगे नहीं कि कौन हो तुम। बताओ कौन हो तुम, कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं? श्वेता हो या कोई और, बोलो कौन हो तुम? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अरे तुम सब लोग मुझे पागल समझते हो? शेरनी से खेलना मतलब मौत को दावत देना। जब तक तुम लोगों को एक एक करके मार नहीं देती तब तक तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। दान धर्म करने वाला ये हाथ तुम्हें माफ करेगा ऐसा सोचना भी नहीं। अष्टदिक बंधक पार करके सारे ग्रहों को काबू करके पापियों का नाश करने आई मैं मंजला। मैं कह रहा था कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई है, लेकिन अब तुम लोग तो बस राज पागल है, राज सपना देख रहा है, राज ये है, राज वो है, हुआ कि ना? लेकिन यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि श्वेता के अंदर कोई आत्मा है, मुझे नहीं लगता अभी भी। पर विक्रम यही सच है, श्वेता का शरीर श्वेता के बस में नहीं है, उसके अंदर जरूर कोई आत्मा है। मुझे लगता है राजू और रिया को इसी आत्मा ने मारा है और अब हमें भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा होता हम लोग कश्मीर या गोवा जाते छुट्टी मनाने, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम लोगों ने यहाँ आने का फैसला लिया। पहले राज फिर रिया अब श्वेता, फिर आगे पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी मदद एक ही इंसान कर सकता है अब। पर वो कौन है राज? वो दाढ़ी वाला इंसान वही कर सकता है। हाँ सही है। शंभू, वो शंभू पागल। हाँ, हाँ वो क्या हमारी मदद करेगा? नहीं विक्रम राज सही कह रहा है, वो आदमी ही हमें बचा सकता है, हमें जाना चाहिए उसके पास। विक्रम चलना चाहिए। बाबा जी बाबा हमें बचा लीजिए बाबा। मंजुला एक गरीब लड़की थी
जो इस मंदिर में मेरी मदद करती थी और बहुत संस्कारी और अच्छे विचारों की लड़की थी। वो रात मुझे आज भी याद है जिस दिन दो हैवान आए थे जब मैं कुछ काम से मंदिर जा रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से जाओ। कैसे बात करो पंडित जी? अंदर तो कच्ची के लिए हम उसको फूल बनाने आए। मेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो इतना घोर अपराध करने जा रहे हो? नहीं है, इसीलिए तो आए हम यहाँ पर। अरे कम से कम भगवान से तो डरो, ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे पंडित जी, भगवान ऊपर है, वो जब तक आएगा हम अपना काम करके निकल जाएंगे यहाँ से। वहीं रुक जाओ, अरे वरना मैं तुमको श्राप दूंगा। पंडित जी श्राप नहीं, शराब तो शराब। हट बे हट, मेरे होते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकते। ठीक है, पहले मैं तुझे खत्म करता हूँ फिर मुझे लेता हूँ। हटो हटो, छोड़ो मुझे। मार इसे, मार 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 मार। अबे चुप कर यार, चल लड़की यार चल। आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, हमें हवन करना होगा तब जाके पता चलेगा पूरा मामला क्या है। ओम क्लीम क्लीम चामुंडा विच्चय स्वाहा, 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 ओम क्लीम क्लीम स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम चामुंडा विच्चय स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम चामुंडा विच्चय स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम स्वाहा। तू इन सबको क्यों परेशान कर रही है? बंगला इनका है, चली जा छोड़ कर इनको। जब तक तुम सबको मार रहे थे तब तक मैं यहीं से नहीं जाऊंगी। क्यों मारना चाहती हो तुम इन्हें? क्या किया है इन्होंने तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। मतलब क्या किया है इन लोगों ने? पूरी बात बताओ मंजुला। अच्छा बताती हूँ। चेहरे देखे हैं, मगर एक दिन पता चला वो दोनों कार एक्सीडेंट में मारे गए। हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हैं, हमारे दो दोस्तों को मार चुकी है, अब हमारी इच्छा आप ही कर सकते हैं बाबा, आप ही हमें बचा सकते हैं बाबा, बचा लीजिए। कोई ना कोई बात जरूर है, तभी वो तुम लोगों के पीछे पड़ी है। याद करो, सोचो आखिर क्या बात है, याद करो आखिर क्या बात है। क्या तुम लोग पहले कभी यहां आए हो? एक मिनट राज, जब हम लोग यहां आए थे तो तुम और राजीव ये जगह देखी देखी लग रही है, ठीक से याद करो। हाँ जरूर तुम लोग। हाँ राज याद करो। राज ठीक से याद करो, साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है कि हमें हर वो चीज याद होती है जिससे हम कभी ना कभी जब भी कभी टकराए होते या उसे देखे होते हैं, हम उसे भूलते नहीं हैं।
बस तुम्हें अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है मेरे भाई। दिमाग पर जोर दो, तुम्हारा दिमाग उसे फौरन पकड़ लेगा, उसे पहचान लेगा। हाँ, आज के 6-7 साल पहले मैं और राजीव यहाँ घूमने आए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ बाबा, नशे में था मैं। अब क्या हो गया? ए राज सुन ना, गाड़ी बंद हो गई यार। चलो पैदल चलते हैं अपन। चल ठीक है, तो उधर से आ। तो अरे यार, गाड़ी को भी अभी खराब होना था। राजीव मेरे भाई, जरा संभल के। अपन इधर से चलते हैं बाबा। उधर उधर उधर। राजीव भाई तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन यार तेरी गाड़ी उतनी बेकार है। ए राजीव भाई उठना रे बाबा। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। तुम दोनों ने किया है भगवान भी माफ नहीं करेगा। कौन है भाई? लड़की है क्या? क्या बोल रही? लड़की है। चल उठना बाबा। राजू भाई उठ। ए हट। ए राज देखना, मरी तो नहीं हो? राजू भाई, इस लड़की का क्या करें? चलो इसे मार देते हैं और कोने में कहीं बगल में दफना देते हैं। ए सही से कर, सही से, कुछ मिलना नहीं चाहिए। हम जब उठे तो हम हॉस्पिटल में थे, हमें और हमारे दोस्तों को बचा लो बाबा। तो तुम सबको पूरी ताकत और एकता से उस आत्मा से लड़ना होगा, तब मैं दिव्य शक्ति को प्रकट करूंगा और उस दिव्य शक्ति को तुम्हारे पास भेजूंगा, जिससे तुम्हें उस आत्मा से लड़ने में शक्ति मिलेगी। मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते तुम लोग। ओम क्लीम क्लीम चामुंडा विजय स्वाहा। स्वेता, ये तुम क्या कर रहे हो? ओम क्लीम क्लीम चामुंडा विजय स्वाहा। वो देखो, तुम लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सकता। ओम क्लीम क्लीम चामुंडा।
डॉक्टर विजय स्वाहा। लगता है हम तीनों को साथ में मुकाबला करना होगा। ओम क्लीम क्लीम चामुंडा विजय स्वाहा। श्वेता तुम मंजुला नहीं हो। श्वेता श्वेता तुम मंजुला नहीं हो। तुम मंजुला नहीं हो और मंजुला के कातिल आज से बहुत पहले मर चुके हैं और तुम्हारे इस बदले की आग ने उन दो मासूमों की भी जान ले ली। अपने आप को पहचानो श्वेता। तुम मंजुला नहीं हो श्वेता। तुम मंजुला नहीं हो। तुम मंजुला नहीं हो श्वेता। अपने आप को पहचानो और अपने इस बदले की आग को खत्म करो यहीं पे और मासूमों की जान मत लो मंजुला। नहीं तुम्हारे कातिल बहुत पहले मारे जा चुके हैं मंजुला। छोड़ दो श्वेता को। छोड़ दो। नहीं मंजुला। श्वेता को तुम ये गलत कर रही हो। कई मासूमों की जान ले चुकी हो अपने बदले की आग में। विक्रम क्या हुआ था? विक्रम मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं श्वेता कुछ नहीं। ठीक है सब ठीक है, सब ठीक है। मैं क्या कर रहे थे विक्रम? सब ठीक है। अब हम नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो 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 राज। चलो विक्रम चलते हैं।